आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम चर्चा। साथियों आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान जुड़े हुए हैं क्योंकि अगर इनका तारुफ कराया जाए तो बीते दिनों उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए थे उसमें इनका भी नाम था और इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस वक्त बलरामपुर की सदर सीट से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री पलटू राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। पलटू राम जी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर आपका और सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपको मंत्री पद मिला है उत्तर प्रदेश सरकार में। हालांकि कम समय है लेकिन जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं आपके ऊपर। सर सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि बहुत कम समय बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे विभाग दिए गए हैं जिनकी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, कैसे उनकी तैयारी, क्या रोड मैप और क्या दिमाग में आपके सब चल रहा है कि कैसे बेहतर करना है उत्तर प्रदेश के इन विभागों की स्थिति को? बिल्कुल साफ तौर पर पलटू राम जी ये भी आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि आप अपनी जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं और जिस तरह से आपने 2017 में विधानसभा का चुनाव बड़े अंतर से जीता था, तो क्या आप ही जो वहां की जो जनता है जब उन्होंने देखा कि उनके बीच जो नेता थे जिनको उन्होंने चुना था वो अब प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए, तो क्या उम्मीदें अब उनको कहीं ना कहीं देश में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और अपने क्षेत्र में ज्यादा आपसे लग रही है? निश्चित तौर पर उम्मीद करना भी चाहिए जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया और आज विधायक बनने के बाद पार्टी नेतृत्व ने मुझे मंत्री बनाया, तो जनता की उम्मीद होना चाहिए और निश्चित तौर पर मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। अच्छा ये सर विपक्षियों की तरफ से सवाल है क्योंकि जब ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ आप लोग शपथ ले रहे थे उस दौरान विपक्षी दल ये कह रहे थे कि महज चुनाव के 3 महीने पहले इस तरह का कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण और पुराने ऐसे नेता जो कि पार्टी से नाराज चल रहे थे उन्हें मनाने की कोशिश की गई है, तो इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है? ये विपक्षी पार्टी के लोग हताशा भरे शब्दों में जब कुछ नहीं पाए तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को वर्तमान समय में मंत्रिमंडल के विस्तार करने की जरूरत क्या है। ये उनका अपना विषय नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिनके समाज के लोग कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे थे कि मैं भी विधायक और मंत्री बनूंगा, आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उस समाज के लोगों को भागीदारी देने का काम किया है जिसमें से मैं भी एक समाज से हूँ, मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ और आज भी जो है मेरे समाज के लोग ये नहीं महसूस कर पा रहे थे कि सत्ता क्या होती है, विधायक क्या होता है। आज जब मुझे विधायक बना करके मंत्री बनाया गया है, आज समूचे अनुसूचित समाज से लेकर के पिछड़े समाज के लोगों में एक खुशहाली का मौसम है, तो ये मैं महसूस कर सकता हूँ, ये सपा और बसपा के लोग नहीं महसूस कर सकते। अच्छा सर ये कुछ बसपा के नेता भी हैं और साफ तौर पर एक नई पार्टी भीम आर्मी या फिर बोला जाए आजाद समाज पार्टी, उनके जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद उनसे कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अनुसूचित वर्ग है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से काफी नाराज है और आने वाले चुनाव में वो इसका जवाब देने के लिए भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में 2019 में सपा और बसपा ने मिल करके गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और जनता ने उनका क्या हक किया है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है। अच्छा अच्छा ये सर पूछना चाह रहा था कई सारे विभाग आपके कंधों पर जिनका कार्यभार है वो दिया गया है और कहीं ना कहीं एक लंबे समय से इन विभागों के पास मंत्री भी नहीं थे, तो अब क्या रणनीति है, कैसे इन विभागों को बेहतर तरीके से चलाना है क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, जनता के बीच भी आपको जाना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में भी आपको बने रहना पड़ेगा और इन विभागों की जिम्मेदारी भी है, तो क्या रोड मैप है, क्या तैयारियां हैं और इसके बीच में कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के नेता है वो लगातार कटाक्ष करेंगे, वो लगातार सवाल पूछेंगे, उसका जवाब कैसे दिया जाए, क्या तैयारियां हैं? देखिए सारे विभागों की निगरानी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करते हैं,
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो अपने सभी मंत्रियों को, अपने विधायकों को हमेशा समय समय पर अनुशासित रहने का निर्देश देते रहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, और सब विभागों पर नजर माननीय मुख्यमंत्री जी की रहती है। कोई विभाग ऐसा नहीं है कि मंत्री के बगैर जो है वो विभाग कहीं अछूता रह जाए। ये सारे विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो आप समझ सकते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है उसमें किस तरह से काम होता है। अच्छा पलटू राम जी, आप कहीं ना कहीं, मैंने जो आपके बारे में पढ़ा है, मुझे ये पता ये भी चला है कि आप नेता के साथ साथ किसान भी हैं, आप खेती बाड़ी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं जी। देश में किसान सरकार के खिलाफ बैठा हुआ है एक लंबे समय से प्रदर्शन पर, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो किसान जो बैठे हुए हैं वो दरअसल किसान नहीं है, वो अलग अलग राजनीतिक दलों का प्रोपोगंडा है जो कि रचा गया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर किसान नाराज है तो उसे कैसे मनाया जाएगा, और अगर वो किसान नहीं है, विपक्षी दल है, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, किसान कतई नहीं नाराज है, सिर्फ विपक्षी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो जनता का ध्यान है उस ध्यान को हटाने के लिए उन्होंने अब छोटे छोटे लोगों से गठबंधन करके सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम किया है। अभी हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 25 रुपए गन्ना किसानों का दाम मूल्य बढ़ा करके पूरे प्रदेश के किसानों का सम्मान करने का काम किया है। पूरे प्रदेश के किसान आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। सर, होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, जो विभाग बांटे गए हैं नए मंत्रियों को, तो उसमें आपके पास होमगार्ड विभाग भी है। होमगार्ड विभाग बहुत ही अहम विभाग है, और कहीं ना कहीं होमगार्ड के जो कर्मचारी हैं वो कुछ अपनी समस्याओं को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आते रहे हैं। तो इस विभाग को और बेहतर कैसे किया जाएगा, क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से करी गई हैं? निश्चित तौर पर जो कमी होगी उस कमी को पूरा किया जाएगा और विभाग को बेहतर बनाया जाएगा। और रहा सवाल होमगार्ड विभाग के कर्मचारियों का, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनका वेतन बढ़ाने का काम किया। अच्छा, ये विपक्षी दलों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो अलग अलग तरह के सम्मेलन कर डाले हैं, बसपा ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर डाला है, और इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं वो भी सम्मेलन कर रही हैं। प्रियंका गांधी बार बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आती है, संगठन मजबूत करने की बात कर रही है और कर रही है उस पर काम। तो अब क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, क्या लगता है कि क्या कुछ नुकसान पहुंचेगा आप लोगों को या नहीं पहुंचेगा इन लोगों के दौरे और सम्मेलनों से? ये सब वही राजनीतिक पार्टियां हैं जो भगवान राम को गाली देती थी, वंदे मातरम के नारे से परहेज करती थी, भारत माता को डाइन कहने का काम करते थे, और एक जात विशेष वर्ग के लोगों के लिए उनके भय के कारण ये कभी मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाते थे। आज जितने नेताओं का नाम आपने गिनाया है, इनका सारा रुख भगवान राम के तरफ, काशी विश्वनाथ के तरफ, मथुरा के तरफ, सब तरफ ये रवाना हो चुके हैं। से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों की और उनके देवी देवताओं की जीत है। जो कल गाली देते थे, आज वो राम नामी दुपट्टा ओढ़ करके मंदिर के तरफ रवाना हो। तो ये विपक्षी वाले यही बात तो कहते हैं कि आप लोगों से जब किसी भी मुद्दे पर बात करी जाए तो आप लोग उसे धर्म की तरफ लेके चले जाते हैं, राम मंदिर पर लेकर चले जाते हैं या फिर कहीं और लेकर चले जाते हैं। राम मंदिर पर इसलिए लेकर जाते हैं कि पहले ये वही लोग हैं जिन्होंने राम सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया, और आज स्वयं राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं महंगाई की भी समस्या बहुत ज्यादा है और उससे भी लोग जो है वो नाराज हैं, तो इस पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि अब आप लोग भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जनता आप लोगों से भी सवाल पूछेगी, तो अब उसकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी एक जिसर त्रासदी आई जो पूरे देश की नहीं पूरे विश्व को अपने चपेट में लेने का काम किया, और आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस मॉडल की तारीफ पूरे देश के लोग और पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस महंगाई के लिए कोरोना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो मतलब कोरोना की वजह से महंगाई है सर जी? तो सर, कोरोना कब तक उम्मीद लगाई जाए कि कहीं ना कहीं स्थितियां जो सुधर जाएंगी या सरकार? वैक्सीनेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, हमारे प्रदेश में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके भी जिम्मेदार वही विपक्षी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पहले कहा यह था कि जो कोरोना कोई बीमारी नहीं है,
ये माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जनता का ध्यान हटाने के लिए राम मंदिर के निर्माण के लिए कर रहे हैं। अब जब कोरोना जब आया, लोगों को उस कोरोना ने अपने पूरे चपेट में ले लिया, तो आज हमारी सरकार ने निःशुल्क वैक्सीनेशन का टीका हमारे देश के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने आविष्कार करके आज आम जनता को लगाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में कोरोना बिल्कुल कम उसका निकलता जा रहा है। अच्छा, ये विपक्ष वाले ये भी बात कह रहे थे कि जितने मंत्री बनाए गए हैं उनमें ज्यादातर SC और OBC वाले ही हैं, इसका क्या कोई अलग समीकरण बैठाया गया था, कुछ अलग बातचीत, कोई अलग रणनीति है क्या? अब उनसे पूछिए कि नितिन प्रसाद जी जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं वो किस समाज से आते हैं। वो पूछा गया था उनसे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बाकी के जो 6 मंत्री थे उनमें से ज्यादातर SC और OBC कैटेगरी के आते हैं, और कोशिश सरकार की यही है कि जो SC और OBC वोटर हैं, उन जो नाराज चल रहे हैं उनको मनाया जाए। क्या ऐसी कोई नाराजगी है? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। अब ये तो सपा और बसपा के लोगों को पच नहीं पा रहा है कि दलित का बेटा क्यों मंत्री बन गया, प्रजापति का बेटा क्यों मंत्री बन गया, उर्मी का बेटा क्यों मंत्री बन गया, बिंद की बेटी क्यों मंत्री बन गई, ये वो सोचते हैं। क्योंकि विपक्षी पार्टी के लोगों का जो उनका जो उनकी जो सामाजिक संरचना है, वो उनकी सामाजिक संरचना उनके परिवार से शुरू होती है, उनके परिवार पर समाप्त होती है। इसलिए अब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों की भागीदारी किया है और उनका वोट बैंक खिसक चुका है, और जो बचा है 2022 में और खिसक जाएगा। चुनावों में क्या तैयारियां हैं सर, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार सड़क पर उतरेगी या बीजेपी जनता के बीच जाएगी? बीजेपी का स्पष्ट नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और अब हम सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और योगी की पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जो अलग अलग छोटे छोटे दलों से आप लोगों का गठबंधन भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहा है धीरे धीरे, तो इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से संपर्क में है? ये सब पार्टी नेतृत्व का अपना फैसला है, पार्टी नेतृत्व जैसा फैसला लेगी, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है, पार्टी के नेतृत्व के आदेशों का हम पालन करें। सर, अब तो जिम्मेदारी दी गई है ना आपके कंधों पर? जी, उसकी जिम्मेदारी की हम बखूबी निर्वहन करेंगे भाई साहब। सर, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। तो ये थे पलटू राम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव हैं उन चुनावों में बेहतर तरीके से बीजेपी पर फिर से परफॉर्म करेगी और एक बड़े पैमाने पर इस बार फिर से जीत दर्ज की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं पलटू राम ने ये बात भी कही है कि जिन विभागों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है उन विभागों में भी बेहतर तरीके से काम करेंगे, उन विभागों को और बेहतर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र बनी रहती है और मुख्यमंत्री खुद उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके उन समस्याओं को सुनते हैं। इसके अलावा होमगार्ड विभाग में जो कर्मचारी हैं उनके जो मानदेय हैं उनको भी सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें जात के आधार पर ना देखा जाए, इसमें किसी जात का भला करने का प्रयास नहीं किया गया है या उसके वोट को खींचने का प्रयास नहीं किया गया है। दरअसल सरकार की कोशिश यही थी कि कुछ भी करके विभागों की स्थितियां और उत्तर प्रदेश की स्थिति को बेहतर किया जाए, और उसी के लिए इन मंत्रियों को, इन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।